हेलो फ्रेंड्स, खमंगनी सा। तो आज हम फाइनली जोड़ी पहुंच चुके हैं। जैसे कि सुबह के व्लॉग में आप सबको मैंने बताया था, ये हमारा सबसे पुराना घर था। इसमें हमारे ऋषभ के पापा ने जन्म लिया है। जन्म तो नहीं लिया यार आपने, अर्जुन बनाने और ज्योति भाईसा ने लिया। अच्छा, ऋषभ के पापा ने ननियाल में लिया था। और इसके जस्ट पीछे की साइड ही हमारा घर है। चलते हैं अपन। हमारी जो गाड़ी है ना वो बहुत ज्यादा साइलेंट है, बिल्कुल भी आवाज नहीं स्टार्ट है, आवाज नहीं आती बिल्कुल आवाज। अरे एक तो नई भी तो है ना, इसलिए नहीं, पेट्रोल इंजन इसलिए इसके बाद। और ये हमारी यशविनी, यशविनी चुप रहो ना, अपन को एकदम धीरे धीरे जाना अंदर, चुप जाना, गेट छुपके छुपके, गेट खुला पड़ा, गेट देख लो। क्या बोल रहे हो आप, क्या दिखाएंगे, गाड़ी दिखाओगे, गाड़ी दिखाओगे। आप देख सकते हो पहले वाली गाड़ी जो पापा मम्मी लेके आए। आवाज आ रही है, इसको ने काम करिए, इसको ना छोड़ देते आंगन में, ये घूमती घूमती जाएगी, वो सब ये कहां से आ गई। मम्मी खांस रही है। यशविनी चुप चुप ना, चुप चुप एकदम चुप, कैसे कमरा चल गई। हां जाओ चोरी कर लियो चाहिए नहीं थी। अरे तो थे लट गया ने, हैं थे लट गया ने, थे क्या सोच जाते मेरी रियल में। कौन सा कर मेरा फ्रेंड, तू आई कि नहीं, मेरी बहुत बहुत कुछ हुई है। नई साल की धोख खुसरो राम जी महाराज, तूने ढेर सारी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी खुशियां दी। इन राज में चूल्हा पर और आप पूछते नहीं है, मांगी कढ़ाई कढ़ाई की टोपी हो एक कढ़ाई भी है मगन बाप बिम में भी सब्जी बहुत जोरदार बनाया ना मम्मी। तगड़ी लाग रही सब्जी क्या छोड़ के यार, गाड़ी देख के आसी है। पापा ऑलरेडी चले गया। यशविनी माँ को गाड़ी दिखानी है, दादू को गाड़ी दिखानी है, चलो फिर से चल घर का लेके चलो। चलो काकी साके नहीं चल लिया, मेरा नाम है टेडी बियर यशविनी। अच्छा तक जावा गेट को, ओ देखो एंगल अच्छा, अपनी भी लाइट है, फॉग लाइट ये धुंध करी में तो अभी खुला के हां अच्छा। ओ जे तो थार को ली खतरी को ली के भाई नहीं, पीछे लो आदमी भी आराम से बैठ सके, पर पीछे है ना दो ही सीट है, फोर सीटर ही है, मतलब वो छोटे परिवार को फाइव सीटर को नहीं। गाइस ने जाओ टिपा गानी, काके सासू मां के जा रहा है, चलो काके सा के चलेंगे। हां चलो आ जाओ, गेट बंद कर मम्मी, रास्ता सीधा है, वहां जाने को ये सीधा बिट्टी पर जावे, पर बट तक सीधा रास्ता ही होवे, ये तो सीधा है, ये हां फोरा फोर गल्ला सीधा ही है, बोटी जी फोरा फोर गल्ला कैन की लगी पापा जोरदार थी नंबर 1 चिन्नी सी है पर ने अंदर सुन बैठते हैं, एकदम छोटो सुनिया लाग से बैठ बैठो दे सर सीधे के सावधानी बहुत छोटो लाग से पर लाग बैठो, ये एक बार गाड़ी नहीं बैठूंगा। अरे फोर इतो ही ऑटो कर दी, इतो ही की है ही नहीं। अच्छा ऑटो यार, ओ फिर सरकार दी फोर हो गई बस, इतो ही चलती निकल जाए बैठी किसका, मम्मी बैठे की आ गए, कपल कपल बैठो। तो अभी हम जा रहे हैं काकी सा के घर पे, और काकी सा के घर पे जाने के लिए कच्चे रास्ते से जाना पड़ेगा, थोड़े टिल्ले के ऊपर है, टिब्बा पर छोड़ो आज आया है डूंगर के ऊपर भी गर्म भगा रही की अब क्या चिराना चाहूंगा, माता जी के सीधी जाओगी साइज में बहुत छोटी जगह और छोटा वस्तु है, तो कितनी दिक्कत रही है आज भी बिल्कुल धन जैसा सोच के है ही कोई चीज, आने देखो दिक्कत की परेशानी की चीज ही कोई, सड़क दे पतली सी जगह काकी सा ये सोचिए मेहमान कौन आ गया ये तेरा।
तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं काकीसा के पास। काकीसा के पास थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उसके बाद में घर पे भी जाना है, क्योंकि घर पे जाने के बाद में हमें रोटी भी बनानी है। सब्जी पापा ने बना रखी थी बट रोटी नहीं बनाई थी, वो हम बनाएंगे चूल्हे के ऊपर। और चूल्हे के ऊपर कैसे रोटी बनाते हैं ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको पूरा का पूरा व्लॉग देखना है। काकीसा से भी हम मिल लिए, अब चलते हैं घर। घर जाना के खाना बनाना है, क्योंकि यार आज मैंने सुबह से खाना नहीं खा रखा। आज फोग लाइट है ना, आ एक रहा है आप ट्यूबलेस ट्यूबलेस के पास जाके आ गए हम। और अब मुझे लगता है कि मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और ठंड का कोई ना कोई साधन पहन ही लेती हूँ, नहीं तो जुकाम हो जाएगी। और गाड़ी कैसी लगी मम्मी से? पैडली स्वेटर। गाड़ी गाड़ी कैसी लगी? गाड़ी एकदम बढ़िया। सरप्राइज, ये मुंह मीठा करो। लड्डू माँ को बोलो लड्डू खाओ, ये तो है अपने गाड़ी का प्रसाद, गणेश जी का छुपा के रखा मैंने मम्मी के लिए। ये वैसे मिठाई। यहाँ का मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, 11 डिग्री है और लाइट भी चली गई। हेलो फ्रेंड्स, खमांगणीसा। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जोड़ी के अंदर, और यहाँ पे लाइट जा चुकी है और वेदर मैंने आपको दिखाया था 11 डिग्री है। और मैंने कोट वगैरह पहन लिया है, ड्रेस भी मैंने चेंज कर ली है। और लाइट मम्मा क्या पता, मम्मा क्या बोल रही है, मम्मी ऐसे बोल रही है कि लाइट आ ही गई है, वैसे जाती नहीं है। तो ये तो कॉमन सी बात होती है, जो मेरी चिराना वाली मम्मी है ना, जैसे मेरे भुआसा वगैरह या फिर और कोई भी मेहमान आता था तो ये ही उनका फिक्स डायलॉग रहता है माओं का, लाइट तो भाई मेहमान आना देख रही चली गई। ऐसे ही मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोलती थी और मेरी सासू माँ भी ऐसे ही बोल रही, सेम टू सेम लाइन चीप रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइट जाती होगी, मम्मी ऐसे ही मुझे ना पागल बना रहे होंगे। तो चलो चलते हैं बाहर। और सब्जी तो वैसे मम्मी पापा ने बनाई रखी है, चपाती सेकेंगे अपन चूल्हे के ऊपर। गैस में थी, गैस में वो चूल्हा तो गर्मी में चौकों को लगे और सब्जियां में गैस कौन चलेगी। तब हम पहले वाली ले दें, अठ रोटी खाने टेंशन चीज़ ना चटनी बनी जचाई पापा का ले। पापा चीज जो ये वीडियो बना रही है ना, ये यशविनी बना रही है, तो थोड़ा सा ऐसे ब्लर भी लग रहा होगा। और उसने लाइट नहीं जलाई थी, ऐसे ही उसने बना दी थी। फिर मैंने सोचा चलो इसको भी मैं डाल ही देती हूँ, अच्छा लग रहा था ये वाला शूट भी मुझे। तो गेहूं की रोटी ऑलमोस्ट बन चुकी है, इसके बाद में ऋषभ के पापा के लिए मम्मा बनाएंगे बाजरे की रोटी दो, और पापा के लिए भी पराठे भी बनाने हैं। और यहाँ पे मम्मा को खाना खिला रहे हैं यशविनी को। यशविनी को खाना खाने में बहुत ज़्यादा जोर आता है, वैसे तो सभी बच्चों को आता है, ऋषभ को भी हमारे आता ही है। और मैं फटाफट से बना रही हूँ चपाती। यहाँ पे चपाती बनाने में ज़्यादा जोर नहीं आ रहा, क्योंकि फटाफट से ना चपाती फूले जा रही है और नीचे ऐसे सिके जा रही है। और जो है ना चूल्हे की है ना रोटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब टेस्ट में एक नंबर लगती है राख के साथ। तो यहाँ पे अब मम्मा को बनाएंगे बाजरे की रोटी। अरे छानोगे? और मेरी रोटियाँ गेहूं की तो फिनिश हो गई, आटे में डाल दे। यहाँ पापा का पराठा अजवाइन का। यार ये टैलेंट दिखाओ ताको। हेलो बावली बात करो, कोई टैलेंट को आंखें कमाइन क्यों आ रही है? बड़ा तो यह है कि आंखें कमाइन आनो ही नीचे। मम्मी आपको टैलेंट दिखाओगी। हाँ जली कोनी पापन वेरो ने टैलेंट आज दुनिया कोई कोनी सही ढंग। और जान लेगी क्या लगे टैलेंट में। बोचर को टैलेंट दिखाए दोनों जना। आज क्या कमाई नहीं आएगी? सोशल टैलेंट जा रही है। यशु यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, तेरे भी टैलेंट देखा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना कि ये बच्चे ऐसे बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं घर में।
अच्छा मम्मी मम्मी ये जावे मम्मी ये बोलती है कि गांव में रहो यहीं पे गांव मत कहीं। हाँ आप दुनिया ने मन तशी लगा भाई मेरे तो कंट्री ऐसा लग रहा है कि बस हमारे पास ही रहे दोनों बच्चे। जब तक वो तप है ना जब तक तो मस्त है। 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया सुबह मन लागे माइनस ही जा तो लगे सुबह चार पाँच जल्दी आप अपने हिसाब से उठना। अच्छा कोई नाम ही कर ले उठन पड़े खाना कंप्लीट हो गया बस पापा पापा का बाकी है और खाना बना भी लिया हमने आज आप सबने देखा भी था उसपे चूल्हे पे बनाई थी मैंने रोटी। वैसे मेरे गांव में मैंने कभी नहीं बनाई बट मेरे ससुराल आने के बाद में मैंने ना काफी बार चूल्हे पे बनाई। जब भी हम यहाँ पे जोड़ी आते हैं ना तो मेरे को इंटरेस्ट रहता है। कौन जा रही है जैसलमेर काल कौन जा रहा क्या कारण काल के घुमावांगा थे खेत में बगैर सोन से जैसे दूध कड़ा के ले नहर। अच्छा बिलौन करा के ले पूछ के ही पली है जब के हाँ के मैं कटवा दी से। अच्छा तो मतलब काल बेइज्जती करते बड़े मन बकरी को ही आवे सिर्फ बारे बकरी को तो मना बोल दिया बकरी को ही आवे भैंस को कदी कौन करे बकरी को तो काट डो मेरे यहाँ करके आंगली के माई नहीं है बकरी को गाड़ लूंगी बकरी का तो मैंने निकाला हुआ है चुराना के अंदर। तो गाइज अब सोते हैं और आपको ये न्यूज तो मिल गई कि हम कल नहीं जा रहे। कल थी 4 जनवरी और हम जाएंगे 5 जनवरी को शायद सबसे पहले देशनोक जाएंगे फिर उसके बाद में आगे जैसलमेर जाएंगे। तो वो सारा जो भी रूट होगा वो आपको मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है ना उस पर आपको मिल जाएगी जो भी अपडेट होगी हमारी। हाँ यशविनी ने तो गाइज अब थोड़ा सा मैं भी आराम करूंगी। ये मेरा शादी का बेड जो कि जिन्होंने नहीं देखा तो देख सकते हो आप ड्रेसिंग टेबल और वो अलमारी जो कि कभी काम नहीं आती और इधर की साइड देखो ये ऋषभ हमारा छोटा सा जब छोटा था ना उस टाइम की है ये ऋषभ की। और ये पेंटिंग मैंने बनाई थी गाइस बहुत ही अच्छी और इसका जो कांच है ना वो मैंने कम से कम 2 बार चेंज कर लिया। एक तो शादी से पहले कर लिया ये शादी से पहले भी ये वाला कांच है ना ये टूट गया था फिर शादी के टाइम मैंने चेंज किया था और अभी भी फिर से चेंज ही करना पड़ेगा। और ये मेरी जो सगाई की जो फोटो होती है ना अपन भेजते हैं ना सगाई करने के लिए तो ये वाली फोटो मैंने भेजी थी तो इन्होंने डन कर ली। पतली थी देखो मैं कुणे ही निकल रही है मेरे ये यही रख देती हूँ मैं। तो गाइज गुड नाइट मिलते हैं मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स कहाँ गई सर गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है जोड़ी की और अभी खतरनाक वाली फॉग है। 9:10 पर मम्मा पापा मैं पापा तो क्या जल्दी उठ जाते हैं 3 बजे के समथिंग उठ गए थे पापा जैसे बोल रहे हैं बट मम्मी मैं ऋषभ के पापा जस्ट अभी उठे हैं और हमारे किशिया पीछे आप देख सकते हो सो रही है अरे यशविनी सो रही है और देखो इतो भयंकर भजन लेके और मैं रात में सोया। एक तो ये वाली कम्बल हो गई और सेकंड कम्बल ये हो गई और फिर उसके बाद में ये रजाई मतलब तीन तीन फिर भी है ना सर्दी लग रही थी हमारे ऋषभ के पापा को। तो अब फटाफट से निकलते हैं बाहर और झाड़ू वगैरह निकालते हैं। हमारा जो ग्राउंड है ना वो खतरनाक वाला बड़ा है बाहर जाके झाड़ू वगैरह निकालते हैं और आपसे मिलती हूँ झाड़ू निकालने के बाद में। मम्मा ऐसे बोल रही है ऑमलेट भी बना ले क्योंकि बहुत भयंकर वाली सर्दी है तो पापा के लिए ऋषभ के पापा के लिए और किशा के लिए ऑमलेट भी मैं बनाऊंगी। तो इतने सारे काम करने हैं फिर आगे का रूटीन क्या क्या रहता है। मम्मा ऐसे बोल रही खेत में भी जाके आएंगे तो झाड़ू निकाल लेते हैं पोछा यहाँ पे नहीं लगाना। मम्मी ऐसे बोल रही है पोछे की कोई जरूरत नहीं है बस झाड़ू झाड़ू निकाल लेंगे। वैसा को वीडियो कॉल आ रहे हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ओके लगाई अंडो सो देख गांव पहुंच गए हम नदी चलने लगी नाक चाल वाला गी और मम्मी देखो क्या गुट मुट मिले भतीजन कोटा ले रहा होगा अथक नहीं छोड़ देगा अथक नहीं छोड़ देगा। ओ माय गॉड यशविनी आ गई यशविनी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यशविनी सुनो एक कोट ले दो जल्दी सी
फटाफट ये हाई कर ले, हाई कर ले कर। क्या बोलते हैं इस टाइम? गुड नाइट बोलते हैं क्या? गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगी, जो मैं गलत बोलूंगी जो सही बोलेगी। अच्छा गुड नाइट जाते, गुड नाइट आई ओनली नो 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 इट्स मॉर्निंग। नहीं ये नेल पेंट है, मेरी नेल पेंट लो मेरे को दो। हाँ बहुत अच्छा है ये भाई साहब रहे आपके। हाँ अब गर्म हो जाओ। चुच्चू आ रही है आपको? नहीं। भाई साहब पूछो मत, वो शूज भी लिया जो नहीं था लगाओ का नहीं छोड़ दोबारा ब्याह कर ले काम वाली अठा रख लियो सही कहेगा ना ये काम वाली। क्या बोल रही है यश्विनी? गाय का दूध चाहिए या भैंस का दूध चाहिए? किस चीज का दूध चाहिए बताओ? घर वाले। घर वाला चाहिए इसको तो। घर वाला जी को लगे नींदम के वह ऋषभ आपके नहीं आए। वैसे तो लड़ाई करती रहती तू ऋषभ से, और वैसे ऋषभ चाहिए तेरे को? ऋषभ आप क्यों नहीं आए? किसे आप नींदों में ऐसे क्यों बोल रहे थे? ऋषभ नहीं आया, भाई साहब नहीं आए। भाई साहब नहीं आया? भाई चाहे तेली जो मैं चाहे लड़ाई करो लाई। अच्छा लड़ता भाई जोतली अच्छा लड़ता थे ना। चलो मैं दूध लाके देती हूँ। हाँ, चलो मैं दूध लाती हूँ आपके लिए। हाँ नुकता सनु कुछ क्या कहता? क्या कहता? कौन सा कहता बटोड़ा छोट क्या दोनी एक सागी नेकर पैर कच्चा पैर लेती बगा तो करता। चलो गाइस अब बनाते हैं दूध किशा के लिए गैस के ऊपर। ऐसी बात नहीं है हमारे गैस भी है, आपने कल से चूल्हा ही चूल्हा देखा है, चूल्हे पे तो ऐसे ही बनाते हैं हम। गैस तो एक थोड़ी है, एक थोड़ी है गैस, चार रूम में हर रूम में गैस रखा मम्मी। सिलेंडर देखो कौन से सिलेंडर 5000 रुपया को बिक रही है मम्मी आजकल, ले आप ही बेच दिया। ओके हाँ बेच दी सर सर हम काम आते हैं। नहीं बी है, नहीं बी है सिलेंडर ओनली गैस, उसके अंदर सिलेंडर तो अपना ही रहेगा। गैस गैस है ना मिल रही है 5000 में जयपुर का माइन इतनी तड़ा तोड़ी माच रही है तो बंद हो गया ना। तो गाड़ी बगे सगला दिन आवे तो मैं गेर लिया था वो खाली तो आटे भरा लेता सही रहता। गैस तो ना ले कोई किताब को तो कुछ को नहीं है। ओली पे बुला से साल लोग ब्याह में आओगी मैं जरा छुट्टी सावन लिया है। हमारे जोड़ी के अंदर दो ब्याह हुए, एक तो 22 फरवरी को और शालू भाई साहब को कितनी तारीख को है मम्मी? शालू भाई साहब को कितनी तारीख ने? 4 फरवरी है शायद। 4 फरवरी है टिकेवर भाई तो याद करो। हाँ तो आओ जोड़ी जोड़ी ब्याह में आऊंगा करो मजा जिंदगी का। शालू भाई साहब ब्याह में आओ। यश्विनी की जी है यहाँ पाटा पर बैठो, चुल्ला के कने किसी बैठी है बालू सोबर मिल लिए। यश्विनी को दूध दूध पिलाऊंगी मैं। यश्विनी की आंटी ना देखो दो चूल्हा ही चूल्हा कर चूल्हा तो गणाई गाय जी चूल्हा काम करने वाला की कमी पड़ रही है अनको आठ आवे वारी वारी चूल्हा के ऊपर काम करने वाले की कमी है। हां तो तू ऐसा करो सेकंड ब्याह करावा ना रीशड़ा पापा को जोतली आ आ तैयार है नु के सेकंड ब्याह कराने तैयार हूं मार बिंद को करा दे काम वाली लेड़ दियो माने दोनों ग्राम काम आज जी मम्मी कन छोड़ देशे बिन परमानेंट। बहुत ज्यादा दूध गर्म हो गया मम्मी अभी बन चुका है। ये पापा को देके आती हूँ, ये अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि तवे पे बनाया था। मम्मी चटनी भी ले रानी के। तो नाश्ता वगैरह हमारा कंप्लीट हो गया, किशो को मैंने दूध पिला दिया, नाश्ता भी यश्विनी ने कर लिया। ठीक है यूनिकॉर्न का शूज लगे देगी यश्विनी मेरे। तो अभी मम्मी ऐसे बोल के गई है मुझे कि कल्डो जीव करके नाल ले, तो कल्डो जीव करके नहाड़ो तो पड़सी सा। और फिर आगे हम पूरा गांव दिखाने वाले हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, वही आएगा। और ये हमारी प्रिंसेस क्या बोलती रहती है अश्विनी मैं अब की मैं प्रिंसेस हूं।
प्रिंसेस है, यशविनी से बोल रही हूँ मैं, आपकी प्रिंसेस हूँ। हाँ यशविनी, आप मेरी प्रिंसेस हो। तो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है हमारे पूरे जोड़ी गांव का, तो गाड़ी के अंदर ऋषभ के पापा मेरे को पूरा गांव दिखा के आएंगे। मेरा ससुराल है यशविनी, ये यशविनी है यशविनी। चलो रूम में चलते हैं अपन, रूम में ठंड लग जाएगी आपको। अच्छा राम, बहुत भयंकर ठंड है। यशविनी का तो नाक ही चलने लग गई, यशविनी की माँ की भी नाक चलने लग गई गाइस। है यशु, मजा आया आपको गांव में? है? आपको अच्छा लगा गांव में? हाँ। आप यही रहना चाहते हो? हाँ, यही रहना चाहती हूँ। बताया ठंड बहुत बढ़ रही है, ऐसे करके देखो यशविनी धुआं निकलेगा, देखना लिपस्टिक लगा दिया क्या? हाँ, आपकी पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी है, देखो दिख रही है? हाँ। पिंक कलर है। हाँ। तो गाइज अब मैं नहा के आती हूँ, मम्मी बोले जी यहाँ कल्डो जीव करके चूल्हा के ऊपर तगड़ो गरम पानी है, पर गरम पानी है ना चूल्हा के ऊपर करेड़ो, पता है कि ठंडो एक्स्ट्रा मांगे आपा जी। यहाँ जयपुर का माइन है ना, गरम पानी कराना है गीजरू भी का माइन के, ठंडो पानी कम मिल रही का माइन, काफी सारा ठंडो पानी मिल लगो, कपड़ा धोना को नहीं है, वो साटन को ही सूट है जो को पानी माई करी काट दूंगी। ठीक है गाइज, मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, और हमारी जो जोड़ी में चल रही है लाइफ वो भी आप सबने एंजॉय करी होगी। बाय, गुड नाइट, बाय कर दो सबको, बाय तो करो, बाय।